नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए आज हम अपनी भाषा माधुरी का पाठ दो शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है पाठ नंबर दो जिसका नाम है ठीक काम करें। तो सबसे पहले इसमें कुछ नए शब्द दिए होते हैं बेटा, ये हर पाठ में आपको आएंगे, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सुंदर। उससे पहले तो मैं सच भूल गई आपको बताना कि आपने क्या करना है, ऊपर डेट मेंशन करनी है, ठीक है, डेट ज़रूर लिखना। तो आज 20 अप्रैल 2021 है, तो आपने ऊपर लिख लेना है। अब शुरू करते हैं। सुंदर, तोड़ना, अंगुली, ये अंगुली में बेटा छोटी की मात्रा नहीं है, बड़ी की मात्रा आएगी, यहाँ पर आपने ठीक कर लेना है। उसके बाद है निकाल, छिलका, फिसल, पछतावा, कहलाता। तो ये हमारे कुछ एक नए शब्द हैं। इसके साथ साथ इनको तो आपने कॉपी पे लिखना है, इसके साथ साथ और भी हैं जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, जो फूल तोड़ रहे हैं। देखो किस कैसे लिखा ऊपर, फूल तोड़ना मना है। तो इस पे ही हमारा आज का पाठ है। तो सबसे पहले जो ये देखो इधर लिखा है रमेश, उसके बाद दो बिंदियाँ लगाई हुई हैं। इसका मतलब कि जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं, तो पहले आपने बोला, फिर आपके फ्रेंड ने बोला, या आपकी मम्मा ने बोला, या आपके किसी भी भाई बहन ने बोला, तब इसीलिए उनको अलग अलग दिया है। इन बच्चों के नाम बताए हैं। तो सबसे पहले है रमेश। रमेश ने क्या बोला, आह कितने सुंदर फूल हैं। है मतलब ज़्यादा फूल हैं, इसलिए बिंदी है। तो कितने सुंदर फूल हैं, एक बच्चे ने बोला जिसका नाम रमेश है, वो कहता है कितने सुंदर फूल हैं। तो उसके बाद कहते हैं गीता, इस लड़की का नाम क्या है, गीता। तो ये बोलता है अरे यहाँ तो माली भी नहीं है। तो ये इस लड़की ने क्या बोला, यहाँ पर तो माली ही नहीं है। फिर उसके बाद आगे किसकी टर्न आई, राजू की। तो राजू ने बोला आओ फूल तोड़ते हैं, एक बच्चे का नाम राजू है, तो उसने बोला आओ फूल तोड़ते हैं। फिर मोहन ने बोला, अब यहाँ पे देखिए आप चार बच्चे हैं, चारों के नाम आगे रमेश, गीता, राजू और लास्ट में अब किसकी बारी है, मोहन। मोहन ने बोला नहीं उधर नहीं जाओ, मना करता है मोहन कि नहीं उधर नहीं जाना। तो रमेश ने फिर से क्या बोला, देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तो रमेश ने भी बोला कि वहाँ लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। तो राजू ने बोला कोई देख तो नहीं रहा है, वो कहते इधर उधर, क्योंकि गीता ने बोला था यहाँ तो माली ही नहीं है। तो राजू ने बोला कि कोई देख तो नहीं रहा, तो गीता ने बोला अरे देखो राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया। अब आप देख सकते हैं एक बच्चे ने फूल तोड़े हुए हैं और उसके फेस कैसे बना हुआ है कि उसको जैसे कुछ लग गया और उसके फिंगर में से क्या आ रहा है, उंगली में से खून आ रहा है। तो अरे देखो राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया है। तो मोहन ने कहा उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है। तब उसके बाद गीता ने क्या कहा, मैं कांटा निकाल कर दवाई लगाती हूँ। तो उसने बोला कि ये जो कांटा लग गए है इसको निकाल कर हम क्या कर देते हैं, इस पर दवाई लगा देते हैं। अब अगले पेज पर जाएंगे तो फिर आगे देखिए क्या हुआ। रमेश ने कहा देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा। तो रमेश ने बोला मैंने मना किया था ना कि ये काम मत करो, तो इसका काम ठीक काम जो आपने नहीं किया यानी गलत काम किया उसका नतीजा देख लिया, उसकी अंगुली में क्या चुभ गया, कांटा चुभ गया है। अब राजू ने बोला मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। तो राजू ने अंगुली में कांटा चुभा था, तो उसने बोला कि नहीं आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। उसके बाद मोहन, गीता तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। अब गीता ने क्या किया, उसके पास केला था उसने खाया और उसका छिलका कहाँ फेंक दिया, सड़क पर। और हम जबकि हर बार बताते हैं कि हमें छिलके या कोई भी कचरा है तो किस में डालना चाहिए, डस्टबिन, कूड़ेदान में डालना चाहिए। उसके बाद गीता ने बोला कुछ नहीं होता, अगर फेंक दिया तो फेंक दिया कोई बात नहीं। मोहन कहता है अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा। तो वो कहता है कि देखो अगर किसी का पैर उसके ऊपर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि केले के छिलके पर जब हमारा पैर आता है तो ज़ोर से स्लिप कर जाता है। तो राजू ने इतने में बोला वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए, ये बूढ़े बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो राजू ने बोला कि ये देखो उसके ऊपर बूढ़े बाबा फिसल गए। तो रमेश फटाफट भाग के आया, भाग कर उठाते हुए बाबा चोट तो नहीं लगी, उनको पूछने लग गया कि आपको चोट तो नहीं लगी। बूढ़ा बाबा बोला कि बस बच ही गया बेटा।
बच गया, मेरे को चोट नहीं लगी। तो रमेश ने बोला कि बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है। देखो गीता ने हाथ जोड़ रखे ना यहाँ पे कि मैंने गलती की, कि छिलका फेंका और उस पर बूढ़े बाबा फिसल गए। तो गीता ने बोला मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूँगी। तो अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने गलत काम किया, कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। पहले राजू को पता चला कि हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, वो भी एक गलत काम है। जब हमें ज़रूरत है तब हम ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमें फूलों को भी ऐसे नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। और गीता ने भी कहा कि मुझे कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए कूड़ा। तो बूढ़ा बाबा बोला कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। तो वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को आए तो वह भूला नहीं कहलाता। तो मोहन ने बोला बाबा हम समझे नहीं आपका, इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हो कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए। तो बूढ़ा बाबा बोला सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती, क्योंकि उन दोनों ने गलती की थी। अब गीता ने भी गलती की माफ़ी मांग ली, तो उन्होंने बोला कि अगर हम गलती मानते तो वो गलती नहीं होती, अगर आप सॉरी बोल देते तो ये बात ठीक हो जाती है। तो सब ने एक साथ क्या बोला, अब समझ में आया बाबा, हमें अब समझ आ गया कि आप क्या कहना चाहते हो, तो इसीलिए हमें ठीक काम करना चाहिए। इस पाठ का नाम है ठीक काम करो, और आपको भी ठीक काम करने चाहिए। अब आपको जो पिंक बॉक्स में कुछ नए शब्द दिए थे वो, और कुछ आप इसमें से अंडरलाइन करके कुछ एक और अपनी कॉपी पर नए शब्द लिखेंगे। आपको 12 कम से कम 12 10 या 12 शब्द तो लिखने ही लिखने हैं। आज के लिए सिर्फ आपकी रीडिंग है और नए शब्द आपको कॉपी पर लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आ जाओ बेटा। हाँ जी बेटा।